दोस्तों अपने सामने जो शख्स मौजूद हैं वही इस दक्ष नर्सरी के को ऑपरेट करते हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका नाम। वैसे तो इनका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, ये दूसरा वीडियो है। जो पुराने मेरे YouTube फैमिली हैं वो इनको ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी जो नए दर्शक हैं, जो नए दर्शक मेरे इस YouTube चैनल को अभी देख रहे हैं, उनके लिए मैं जानूंगा इनका नाम और एक बार इनके जुबानी इस प्रॉपर एड्रेस के बारे में, जो ये दक्ष नर्सरी है उसका प्रॉपर एड्रेस। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले आप नए दर्शकों के लिए अपना नाम और प्रॉपर लोकेशन बता दीजिए। मेरा नाम संजीव राजपूत नाम है, दक्ष नर्सरी बाजपुर दोराया काशीपुर रोड पे अवस्थित है। दोस्तों ये नर्सरी बिल्कुल रोड के किनारे ही है, आप जब भी काशीपुर की तरफ जाएंगे ना चाहते हुए भी ये नर्सरी आपको दिख जाएगा। उसका कारण है कि रोड के किनारे इन्होंने फूल और पौधे से इतना बढ़िया सजा रखे हैं, नजर अपने आप उधर चली जाती है। राजपूत जी आज हम लोग अपने YouTube फैमिली के लिए सकुलेंट प्लांट के बारे में जानना चाहेंगे और सकुलेंट प्लांट के ए टू जेड जानकारी यदि आप हमारे दर्शकों से शेयर करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों ये सारे प्लांट जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एक साथ रखे हुए, ये वैरायटी भले ही अलग हो लेकिन सब सकुलेंट प्लांट में ही आता है। तो सकुलेंट प्लांट की केयर के बारे में यदि मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ तो कैसे केयर कर सकते हैं इनको? केयर में सर सबसे कम पानी ही इसमें जो है कम से कम दीजिएगा आप, और धूप में रखना, छाया में कष्ट अगर रखते हैं तो प्लांट खराब जल्दी होता है। ये प्लांट मुझे दिख रहा है बिल्कुल ही ड्राई सॉइल में आपने लगा रखे हैं, तो इतना ड्राई सॉइल में ये ग्रो कर जाता है? सर ग्रो कर जाता है, बिल्कुल नमी की जरूरत नहीं होता नहीं। इन प्लांट को पानी से दूर ही रखना पानी होता से है। दूर रखना पड़ता है, बरसातों में आप इंडोर वगैरह रख सकते हैं, बरसात के मौसम बाकी तो सनलाइट में आप रखिए, ऐसी जगह रखना है पानी कम से कम मिले। अच्छा ये पानी से इसको बचा के रखना होता है? रखना, पहाड़ों की वैरायटी है ना ये, तो पानी से कम ही चाहिए होता है, पानी कम चाहिए होता है। तो उत्तराखंड जो त्राई इलाका है उससे प्लांट अच्छा चल जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। राजपूत जी इसको हमने यदि यहाँ से ले गए तो किस तरह का सॉइल रेडी करूँ इसके लिए, किस तरह की मिट्टी इसको पसंद है? नॉर्मल मिट्टी, वही खाद मिट्टी, आधी मिट्टी और आधी गोबरी खाद और वही अच्छा। धान वाली भूसी जो मैंने बताई जो फ्लावरिंग प्लांट के लिए वही मिट्टी इसको भी चाहिए, उसमें नमी बना के रखना होता है, इसमें नमी से बचा के रखना होता है। बहुत कम अडेनियम की तरह यदि हम कहें तो इसको केयर कर सकते हैं। तो अडेनियम दोस्तों रेगिस्तानी प्लांट है, डिजर्ट रोज कहते हैं उसको, इसलिए उसको पानी कम चाहिए होता है और वही चीज अप्लाई होता है इन सारे सकुलेंट प्लांट पे। तो सकुलेंट प्लांट के सारे वेराइटी का रेट क्या एक है या अलग अलग रेट है इनके? इसमें लगभग एक ही है, 70 रुपीज इसका रेट है। इसके पत्ते कितने प्यारे हो रहे हैं, देखिए ऊपर का रेडिश जो एरिया है ग्रीन नीचे और ऊपर रेडिश, देखते ही बनता है दोस्तों। और केवल 70 रुपीज का है और ये लगा हुआ है पॉली बैग में। और ये सारे जो प्लांट्स हैं वो सब सकुलेंट प्लांट ही है? सकुलेंट प्लांट, इसमें कोई फ्लावर तो आता नहीं होगा ना? फ्लावर नहीं आता इसमें, पत्तियां, इसके पत्तियां ही इसकी जान है, इतनी सुंदर है, इसमें फूल की जरूरत ही नहीं है। और कलर की यदि बात करें तो रेडिश एरिया जो पत्ते के ऊपर में किनारे में ये रेडिश, क्रासुला मोहिनी ट्री जिसे कहते हैं लोग आजकल ज्यादा लगाने लगे हैं और शुभ माना जाता है घर पर लगाना। अच्छा वास्तु के हिसाब से, ये हिसाब से बहुत बढ़िया है। रेट इनका भी 50 रुपए का है, 70 सब 70 का है क्योंकि ये पॉली बैग में रखा है, यदि ये पॉट में रखते तो रेट इसका बढ़ जाता। और ज्यादा सेल करने के मकसद से इन्होंने पॉली बैग में लगा रखे हैं दोस्तों, ताकि रेट चीप रहेगा तो हर कोई इसे खरीद लेगा, और गमले में रहेगा तो थोड़ा गमला का रेट लग जाता है, फिर उसमें मिट्टी भी ज्यादा लगता है, खाद भी ज्यादा लगता है, तो रेट उस हिसाब से उसका हो जाता है। बरसात में इसको कैसे केयर करते हैं सर? बरसात में बरामदे वगैरह में रख लीजिए आप, जहाँ बारिश का पानी इसके ऊपर ना गिरे, अगर आप बाहर रखेंगे तो बारिश का पानी इसके ऊपर गिरेगा तो पौधा खराब हो जाएगा, आप शिकायत करोगे, तो इससे अच्छा पानी बरामदे में रखिए बरसात के मौसम में, बरसात जब सी खत्म होती है बाहर ओपन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पौधा फिर से चलने लगेगा आपका। अच्छा आप कह रहे हैं कि बरसात के पानी से हमें इन सारे प्लांट को बचाना चाहिए, और यदि अचानक बारिश आ भी गई तो आप जाके इसको जो
पौधे में पानी जमा हुआ है उसको बिल्कुल हटा दें, और बारिश के सीजन में तो आप सजेस्ट करें कि इंडोर ही रखें तो बेहतर है। लाइट की इसकी जरूरत, लाइट की जरूरत इसको पड़ती है, और इंडोर में भी आप बिल्कुल अंधेरे में इसको ना रख दें, नहीं तो प्लांट खराब हो सकता है। उजाला तो कम से कम चाहिए ही, धूप की यदि गर्माहट इसको मिलता रहे तो और बढ़िया रिजल्ट होता रहेगा। ये बहुत बढ़िया से सरसों के फूल जैसे एक सकुलेंट प्लांट, हैंगिंग प्लांट का है। और इसका क्या रेट है सर? 70 रुपीज। ये भी वही, सब सकुलेंट लगभग एक ही रेट के हैं, और ये कुछ बोनसाई जैसा अलग सा दिख रहा है। ये कौन सा पौधा है सर? क्रासुला है ये, मोहिनी ट्री। मैंने अच्छा मोहिनी ट्री, हाँ, ये भी 50 का है, 70 रुपीज, 70 रुपए का है। और ये पौधा कितने दिन से है आपके आपके नर्सरी में? यदि मैं बात करूँ ये कितने दिन पुराना पौधा है? मेरे पास जो है इसकी हम छोटी पौध लाए थे तो ये 7 महीने पुराना ये पौधा मेरे पास है, पॉलीबैग में लगा हुआ, इसी पॉलीबैग में है ये लगा हुआ। अच्छा, जैसे आया था छोटा पौध उसको आपने इसी पॉलीबैग में लगाया था, वही पॉलीबैग अभी भी चल रही। बहुत खूब। तो दोस्तों ये देखिए जैसे बोनसाई का रूप ले लिया है, और केवल 70 रुपए का ये प्लांट है। और इसको कहाँ हमें आउटडोर में रखना है सर या इंडोर में? आउटडोर बरामदे में रख सकते हैं, बरामदे में भी चल जाता है। बरामदे में चल जाएगा, मतलब धूप से हमें ज्यादा बचाना है इसको, बहुत तेज धूप से बचाना है। बाकी मैंने आप बरामदे में रखिए, वहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे लोकेशन पे ताकि हवा और थोड़ा सा गर्माहट इसको मिलता रहे। अगला प्लांट क्या दिखा रहे हैं आप? ये हैंगिंग प्लांट, ये हैंगिंग प्लांट हो गया, ये भी हैंगिंग प्लांट है, बेबी सनरोज नाम है इसका। बेबी सनरोज फूल भी बहुत सुंदर आता है इसमें, मैंने देखा हुआ फूल जब इसमें आता है तो पिंक कलर का फूल, हाँ, मैंने देखा, बहुत प्यारा लगता है, लच्छेदार, बिल्कुल रस्सी जैसे निकलते हैं, और उसमें भर भर के फूल आते हैं। ये भी 50 रुपए का या 70 रुपए का सर? ये भी 70 रुपए का है। अब आ जाते हैं हम ये कैक्टस के वेराइटी पे। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, ये अलग अलग से जो दो दो तीन तीन पत्ते जैसे निकले हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। और ये है कैक्टस का एक वेराइटी, इसकी केयर कैसे करना चाहिए? कैक्टस भी में पानी नहीं पड़ता, कैक्टस में भी कम से कम पानी दीजिएगा आप, और धूप में कोशिश करें ज्यादा रखें इसे, डायरेक्ट सनलाइट में उसी में ही कैक्टस चलता है। कैक्टस को जितना गर्माहट मिलेगा उतना बढ़िया चलेगा, क्योंकि ये रेगिस्तानी पौधा माना जाता है दोस्तों। रेगिस्तान में आपको पता ही है तपती धूप होती है, और उस रेगिस्तान में ये बहुत बढ़िया ग्रो करता है। तो यदि आप कैक्टस के शौकीन है तो इसको ले जाएं और धूप वाले एरिया को सेलेक्ट करें जहां पे हम इस प्लांट को लगा सकते हैं, वहां पे ये बेटर रिजल्ट देगा। ये भी कैक्टस का ही वैरायटी है सर? ये भी कैक्टस की वैरायटी है। कैक्टस की वैरायटी जितनी भी है 80% कैक्टस वैरायटियों का फल खाया जाता है। खाया जाता है इस पर फल आता है। कैक्टस भी ड्रैगन फ्रूट हो गया, कैक्टस की तो वैरायटी है, बिल्कुल देखने में कैक्टस ही लगता है, कैक्टस ही है वो, लेकिन उसका फल खाया जाता है। कैक्टस के 80% वैरायटियों का फल खाया जाता है। तो इन कैक्टस में क्या फ्रूट भी आता है? फ्रूट भी आता है इसमें, काफी वैरायटी इसमें फ्रूट आएगा। जैसे ये है कैक्टस की वैरायटी, इसमें फल आ रहा लाल रंग का। अच्छा, वो फल ही है, फल ही छोटा छोटा दाना, जो लाल सा ये फल है, बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा लगा है खाने में आपको, बहुत खूब। तो कैक्टस से दोस्तों हमें दो फायदा मिलता है, आम के आम और गुठली के दाम, यानी कि प्लांट तो प्लांट, उसके साथ हमें खाने को फल भी फ्री में मिलेगा। और इसका रेट आपने कितने रखे हैं सर? इसमें दो रेट है मेरे पास, 70 रुपए और 150 रुपए। जो अपनी खुद की वैरायटी है उसका रेट हमारे पास 70 है, जो बाहर से मंगवाते हैं वो उसका 150 है। ये पॉट में लगा हुआ जो कैक्टस है, फुटबॉल कैक्टस, इसका क्या रेट है सर? 150। अच्छा, ये पॉट में लगा हुआ है इसलिए इसका रेट थोड़ा ज्यादा है, और ज्यादा दिन से इन्होंने इसको सेवा किए हैं। वो वैरायटी भी अलग है ये कैक्टस में, बिल्कुल बिल्कुल। ये कांटा है क्या है? ये कांटा है। तो हमें हाथ से टच करने से बचना चाहिए, खुले हाथ से हम इसको टच ना करें तो बेहतर है ना। अब ये जो फूल जैसा है सर, ये वो लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल, उसी का वैरायटी है, उसी वैरायटी है ये। और इसका क्या रेट है सर? 70 रुपीज। ये भी 70 रुपीज का है। दोस्तों यदि आप इस प्लांट को देखें ना तो बिल्कुल खिले हुए गुलाब की जो पंखुरी होती है ना, उस पंखुरी जैसे ये दिखता है, और यही इसकी खूबसूरती है। हालांकि ये सकुलेंट प्लांट है लेकिन इसका
ढंग और डिजाइन देखिए, ऐसे लगता है जैसे किसी ने कैंची से कतर के ये आकार दिया है, ये रूप दिया है इसको, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नेचुरल प्लांट है और ये भी 70 रुपीज का है। ये कितने का प्लांट है? 70 रुपए। ये भी 70 रुपए। इसकी खूबसूरती दूसरे से थोड़ा हटके है क्योंकि ये रेडिस टाइप का है और ये लरी जैसा जो पौधा ऊपर को बढ़ रहा है, ये क्या ऐसे ही बढ़ता रहता है? ये हैंगिंग प्लांट में भी आप लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट में, उसमें भी अच्छा लगा है। नीचे को लटकता है ना, ये बड़ा हो जाएगा तो नीचे की तरफ झुक जाएगा, उसमें अलग दिखाई देता है पौधा ये। और इसकी भी केयर हम पानी कम देके ही कर सकते हैं। जी जी जी। और धूप कितना? पूरा ही, पूरा फुल सनलाइट में रखेंगे तो उसमें कलर जो है रेडपन इसमें और बढ़ जाएगा। अच्छा। और छाया में आप रखेंगे तो उसमें रेडपन जो रेडिस रेडिस भाग थोड़ा कम हो जाएगा, हरा का परसेंटेज बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। एक अल्टीमेट ये प्लांट यदि आप दिखा सके तो, ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया ये कलर और इसका डिजाइन दिख रहा होगा आपको, बहुत ही अल्टीमेट। ये कितने का है सर? 100 रुपए का। ये 100 रुपए का, और 100 रुपए का है, लेकिन इसका रंग और डिजाइन और इसका पत्ता देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लगता है ये तो। ये भी बहुत अल्टीमेट है। और इसके ब्रांचेस निकलते रहते हैं क्या नीचे से? हाँ, कलर जैसे मुझे इसमें मुझे दिख रहा है आपको, उसको सेपरेट करके हम एक से अलग बना सकते। बहुत प्यारा कलर है। तो दोस्तों आप यदि सेकुलेंट प्लांट के शौकीन हैं तो आपको ये सारे आपके लिए ही है, और आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी सेकुलेंट प्लांट यहां से ले जा सकते हैं और लगा सकते हैं। देखने में सबसे बढ़िया जो प्लांट यदि कोई लगता है, प्लांट की यदि खूबसूरती की बात करें तो सेकुलेंट प्लांट ही है। उसके बाद नंबर आता है क्रोटोन का। इनमें से ज्यादातर जो प्लांट आपने दिखाए वो सब हैंगिंग में भी हम लगा सकते हैं। हैंगिंग में भी लग जाते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस पानी से बचा कर रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं, हैंगिंग में लगा सकते हैं। पानी और सनलाइट फुल चाहिए इसको। हाँ, ऐसे एरिया को सेलेक्ट करना है जहाँ पे धूप आता हो और इसको पानी कम देना है। तो हैंगिंग में हम आसानी से लगा सकते हैं, हमें बार बार पानी देने का झंझट भी नहीं रहेगा। इसको खाद के लिए तौर पे यदि आप बता सकें तो खाद के तौर पे हमें इस कुछ देना होता है क्या सेकुलेंट में? खाद में वही, इसमें थोड़ी सी कोकोपीट मिक्स कर करके आप लगाते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। और बर्मी वगैरह हम इसमें डालेंगे? वो डाल सकते हैं, वो तो डालिएगा, आधी मिट्टी आधी खाद। और ये तो रिपोर्टिंग के टाइम में हो गया, बीच बीच में खाद के तौर पर हमें देना चाहिए कुछ? नहीं, ऐसी कोई खास केयर नहीं होती ना इसका। केयर के नाम पे आप सनलाइट दे दो और पानी कम दे दो, वही इसका केयर है। कीड़े वगैरह का अटैक होता है इसमें? नहीं, इसमें भी कीड़ा कोई नहीं लगता, कोई कीड़ा नहीं लगता। यानी कि इजी टू ग्रो है ये। हाँ, आप आसानी से इसको अपने बागवानी में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये था सेकुलेंट प्लांट की एक झलक जो मैंने आपको दिखाया, और तरह तरह के सेकुलेंट प्लांट इस दक्ष नर्सरी में अवेलेबल है। उसका रेट भी मैंने बताया, कैसे इसका केयर करेंगे, केयर के नाम पे कुछ भी नहीं। इन्होंने जैसे मुझे बताया कि केयर के नाम पे इसको फुल सनलाइट दे दीजिए, पानी कम दे दीजिए, यही इसका केयर टिप्स है। कीड़े फंगस बिल्कुल नहीं लगता यदि आप पानी कम देते रहेंगे तो। उम्मीद है दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि आप सेकुलेंट प्लांट के शौकीन हैं तो ये प्लांट जरूर अपने बागवानी में खरीद के लगाएंगे, क्योंकि इसमें केयर ना के बराबर है। यदि आपके पास समय कम है, सुबह से शाम तक की काम में व्यस्त आप रहते हैं, तो भी इसको आप अपने बागवानी में लगा सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा A to Z जानकारी दी सेकुलेंट प्लांट के बारे में हमारे दर्शकों के लिए, कैसे हम इसको लगाएं, कहाँ रखें, कैसे खाद पानी दें, सब कुछ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी के साथ मैं इस सेकुलेंट प्लांट की जानकारी के बारे में जो वीडियो बना रहा था उसको यही ख़त्म करना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को देखते रहने के लिए। और हाँ, यदि आप
मेरे इस YouTube चैनल पे नए आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं यदि घर से 50-60 किलोमीटर दूरी तय करके मोटरसाइकिल से यहाँ पहुँचा हूँ तो केवल और केवल आपके लिए, ताकि आपको घर बैठे ये सब प्लांट के बारे में सारी जानकारी मिलता रहे। यही मेरा मकसद था यहाँ तक आने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी और लोकेशन में, तब तक मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।